खमीरा रखा जाता आटे गुन के मिठा सोडा पाया जाता है फिर खमीरा रखा जाता है पूरा दिन रख के खमीरा जो बन जाता चंगी तरह फिर गुनिया जाता आटे होर आटा पा के गुनिया जाता है तो ये मैं बना के रखा हुआ आटा मैं तुम्हें दिखानी है तुम बना ये नमकीन आटा बनाया हुआ मैं खमीरा ये मैं तुम्हें बबरू बना के मैं तेल पा ला तेल गर्म हो जाता है तेल ये बबरू बनाने ना तलने हाँ जी तलने ये मसाले रखे हुए प्याज कट के ये तो सब्जी भी बना के खवानी है मैं तुम्हें एक दो बना के दस दी हाँ ये मिठे भी बनाए जाते हैं नमकीन भी बनाए जाते हैं आटे गुनन वास्ते पहला इन्हें थोड़ा जा खमीरा बनाना पैंदा आटा गुन के उहदे विच सानू मिठा सोडा पाना पैंदा फिर मिठा सोडा पा के उन्हें रख दिता जाता फिर दूसरे दिन उन्हें दूसरे आटे विच होर आटा पा के उहदे विच मिला के उहदे विच गुन के फिर रखा जाता इन्हू फिर दूसरे दिन बबरू बनाने पैंदे आ गुड़ पा के बनाया जाता जिदा नमकीन बनाते सब्जी तैयार करनी सब्जी बनावांगे हांजी हांजी देखो इन्हां दी मां उबाल के रखे हुए मावां नूं तड़का लगाना इहदे विच पहलां नमक पाना फिर हल्दी मसाला मिर्चा देगी मिर्च प्याज टमाटर तेल का तड़का लगावे मैं हूँ तुम्हें तो तड़का लगा के दिखानी हूँ पहला मैं तेल पा ली ये तेल गर्म हो जाएगा जैसे तुम्हें क्या ब्याह शादी देने वाली है उदो भी नाल सब्जी बना के देंगे नहीं सब्जी नहीं बना के देंगे उदो उदो तो आम लोगों को भाजी वाग वंडिया जाता ना सब्जी नहीं बना के देंगे हूँ अं पावे ये लून लून पाना ये टेस्ट मुताबक जिन्ना सानू जरूरत है हूँ अं ये पावे टमाटर ठीक है अच्छा तो जो तक यह पुछता मैं दसो कि होर की शौक होर घर काम कर रोटियां बना लिया सफाइया कर लिया या कपड़े कोई कढ़ाई कढ़ुई कर ली स्वैटर बना ले अच्छा मैं ये थोड़ी जी हल्दी पा ली थोड़ा जा पानी पा साडा हूँ मसाला हो गया हूँ मैनू बिच पा दिनी ये साड़ी हो गई सब्जी तैयार मां दी मां दी ते इहदे उत्ते थोड़ा जा धनिया पा दिता टेस्ट बन ठीक है हूँ मैं तुम्हें टेस्ट करानी है ये हैगा मिठा ये हैगा नमकीन लो जी सच्चा
सच्चे भैन जी मैनू स्वाद आ गया, बहुत ही वधिया बने ने, ते मैनू पता लग गया कि इन्हां नू रिवायती क्यों कहा जांदा। दोस्तों सच्ची इन्ने टेस्टी बने ने कि इन्हां दा ज़ायका मैं तुहानू दस नहीं सकदी, उहदे वास्ते तुहानू घर बना के आप ही खाने पैणगे। धन्नवाद जी।